नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अंबुज उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 24 घंटे के अंदर दो ऐसी घटनाएं घटी जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल एटा के ग्राम नगला समल में एक बाघ घुस आया और बाघ ने हमला करके एक 12 वर्षीय बच्चे को घायल कर दिया और साथ ही एक भेड़ का शिकार भी किया। यह बात जैसे ही इलाके में फैली तो इलाके के लोग बाघ को देखने और पकड़ने के लिए निकल पड़े। इसके साथ ही वन विभाग को भी सूचित किया गया। मौके पर रेस्क्यू करने के लिए अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इटावा जिले के वन विभाग की टीमों ने 8 घंटे के अथक प्रयास के बाद टाइगर को ट्रैंक्विलाइजर करके बेहोश करने में सफलता हासिल की। इस मौके पर अलीगढ़ मंडल के कंजर्वेटर आदित्य शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए ऑपरेशन के बारे में बताया। यदि कोई चित्तीदार जानवर दिखाई देता है तो उसको तेंदुआ कहा जाता है, और ये बाघ था। ये कुछ ऐसे जंगल के क्षेत्रों से यहाँ आ गया था। अब ये जो एक छोटा सा भूस का कमरा था उसके ऊपर बैठा था, बाद में ये अंदर चला गया था। अब इसको केमिकल दे करके, दवाई दे करके हमने दूर से इंजेक्शन, जिसको ट्रैंक्विलाइज कहते हैं, ट्रैंक्विलाइज करके बेहोश कर दिया है। अब बेहोश करने के बाद इसको फिर होश में लाने की दवाई भी दे दी जा चुकी है, और अब हम इसको एक सेफ सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। अब इसका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद चेक करेंगे ये ठीक है क्या है, उसके बाद जो भी आगे निर्देश उनको दिए जाएंगे और टीम हमसे डिस्कस करेगी उसके अनुसार आगे हम डिसीजन लेंगे। कितने घंटे बाद ऑपरेशन किया गया मैडम? देखिए, सुबह 7 बजे के लगभग खबर मिली थी और अभी मैंने टाइम नहीं देखा, लगभग 3:30 बज रहे हैं जी। तो अब समय आप निकाल लीजिएगा, इतना समय लगा है। हमारे साथ प्रशासन की टीम, हमारे साथ पुलिस की टीम, SDM साहब थे, CO साहब थे, सारे लोग हमारे साथ थे, और मैं कहूंगी कि गांव वालों का भी काफी सपोर्ट था, मीडिया का सपोर्ट था। आप सभी लोगों के सहयोग से ये सिचुएशन मैनेज हो पाई है और हम बाघ को सुरक्षित इस गांव से, नगला संभल से बताया रहा। एक व्यक्ति से घायल हो गया था, एक व्यक्ति घायल कर दिया था। वो सूचना मेरे पास आई है, अभी मैं उस बच्चे से मिलने पाया। हम पहले बाकी करना चाह रहे थे, वो हॉस्पिटल में बच्चा पहुंचा दिया गया है, उसकी सारी चिकित्सा हो रही है। हम उससे भी मिलेंगे और उसकी जो भी सहायता कर पाएंगे, जो भी रूल के अनुसार सहायता होती है वो हम उसको। इस बात को परमानेंटली कहां रखा जाएगा? इस बात को, इसका डिसीजन PCCF वाइल्ड लाइफ करते हैं, जो लखनऊ के वाइल्ड लाइफ के सबसे ज्यादा सीनियर अधिकारी हैं। हमारे साथ 3 डॉक्टर्स की टीम थी, हमारे साथ भारत सरकार के अधिकारी जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से सारी टीमें और PCCF वाइल्ड लाइफ का जो भी निर्देश होगा उसके अनुसार इसको भेजा जाएगा। इस ऑपरेशन को करने में कितने जनपद के टीम आपकी लगी थी, कहां-कहां से लोग लगे थे? अलीगढ़ मंडल की सारी भी टीमें लगी थी, मेरे चारों DFOs इसमें लगे हुए थे, एटा, अलीगढ़, हाथरस और काशगंज, उनकी सबकी टीमें लगी थी, उनके सारे रिसोर्सेज लगे थे। और 3 डॉक्टर्स की टीम थी, एक आगरा की SOS वाइल्ड लाइफ की टीम थी, एक मेरठ के डॉक्टर साहब आए थे जो वेटनरी डॉक्टर हैं, पहले जू में काम कर चुके हैं, कानपुर जू में, और एक हमारी लायन सफारी की टीम थी। ये तीनों टीमों ने मिलकर के जो डिसीजन लिया उसके अनुसार इसको ट्रैक किया। कुछ पता चला कहां से आया था ये बात? ऐसे तो अभी कुछ नहीं पता लग पाया, उसकी हम जांच करेंगे, और क्योंकि अब भारत सरकार के अधिकारी भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ बाकी टीमें भी हैं, उनके साथ हम जांच करके और मौके दिखवा के कि कहां से आ सकता है, वो संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करा के हम बता पाए। टाइगर का रेस्क्यू किए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एटा के अंदर 4 अजगर सांप निकलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। थाना निदौली कला क्षेत्र के गांव नगला बंदी में एक ही जगह पर 4 अजगर सांप दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई है, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।